मैंने ये चैलेंज क्यों लिया मैंने ये चैलेंज, मुझे डिमसम्स खाने को नहीं मिल रहे। फिर तो थक गई है मैं, घूम गए ना थोड़ी ना घूमते। मुझे कॉफी में ब्रेड डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है, लाइक इतने क्यूट है यार ये छोटे छोटे मैक्रोन। Hey guys, welcome back to Wanderlust Hub. आज की वीडियो होने वाली है एक और फूड चैलेंज। नहीं 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 स्टॉप क्या हो गया? फिर से फूड चैलेंज नहीं करेगी तू प्रेरणा? नहीं करूँगी। बहुत फूड चैलेंज कर चुकी है, मतलब मोटी हो जाएगी खाना। मैं वर्कआउट करके कंट्रोल कर लूंगी, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली को हर्ष पसंद है फूड चैलेंजेस, तो वो बोलते हैं क्या फूड चैलेंज करो। मोर फूड चैलेंज प्लीज, मुझे करना है। मैच करने वाली हूँ अल्फाबेटिकल फूड चैलेंज। बेसिकली मैं ए टू जी सारे अल्फाबेट्स का फूड खाने वाली हूँ। तो हम लोग आए हुए हैं फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन शारजा, एंड यहाँ का बफे बहुत अमेजिंग है। सो आई थिंक हम लोग बफे चलते हैं, एंड वहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी तक के जितने भी ऑप्शन है देखते हैं, जो भी मिलता है मैं लेके आती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये चैलेंज अच्छा लगे। अगर आपको ये अच्छा लगे सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फाइनली मेरा ए बी सी और डी तो फाइनलाइज हो गया है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं ए से क्या खाने वाली हूँ। तो गाइस ए से मैं खा रही हूँ एप्पल स्ट्रूडल एंड आलमंड। एप्पल स्ट्रूडल एंड आलमंड तो मुझे वैसे बहुत पसंद है, एंड देन मेरे पास है बी से ब्रेड एंड बटर, एंड सी से मेरे पास यहाँ पे है चीज जो कि मुझे हर्ष ने दिया है, एंड उसको पता है कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, हेट चीज, बट अब मुझे चीज खाना पड़ेगा बिकॉज सी फॉर चीज एंड सी फॉर कॉफी। सो आई थिंक मैं चीज नहीं भी खाऊंगी तो कॉफी तो है मेरे पास, तो एक चीज तो मैं खाने वाली हूँ एंड डी फॉर डोनट। ड्रैगन फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, बाली में खाया था आज दोबारा से खाते हैं। सो डोनट एंड ड्रैगन फ्रूट। बेटा 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 तेरे लिए सरप्राइज है, मैंने डी से प्रिपेयर कराया तेरे लिए स्पेशल डोसा आल्सो। मैं चार अल्फाबेट्स में इतना खा जाऊंगी तो मैं ई एफ और जी का पूरा दिन है तेरे डोसा है यार, डोसे की तो दीवानी है तू, सब स्टार्ट कर। बट थैंक यू सो मच, मुझे डोसा सच में बहुत अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर। फूड चैलेंज तो चल ही रहा है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी लेटेस्ट फाइंड के बारे में। एक बहुत ही अमेजिंग सी वेबसाइट है जिसपे आप घर बैठे ढेरों पैसा जीत सकते हैं, इसका नाम है binani.com। यहाँ पे आपको 300 का मिनिमम डिपॉजिट करना है और बेट करना है अपना मनी विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, अपनी मनी को बेट करना है ग्रीन या फिर रेड पे। अगर राइस होगा और आपने राइस पे बेट करा होगा तो आप पैसे जीत जाएंगे, अगर फॉल होगा और आपने फॉल पे अपने पैसे बेट करे होंगे तो आप पैसे जीत जाएंगे। सो अगर आपकी प्रेडिक्शन विनिंग प्रेडिक्शन होगी तो आप घर बैठे डबल पैसे जीत जाएंगे। आप के थ्रू विड्रॉ डिपॉजिट करा सकते हैं, बहुत ही इजी टू यूज है, खुद बहुत ही सारे प्रेडिक्शन सही करके काफी पैसा जीता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, गो चेक आउट binani.com, जीतना स्टार्ट करिए, ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड एंड बटर, अब मैं खाने वाली हूँ ब्रेड एंड बटर। मैं सी फॉर कॉफी भी ले लेती हूँ, बहुत अमेजिंग कॉफी है, मैं आपको कॉफी दिखाती हूँ बाय द वे। और सीरियसली चलो ड्रिंक करते हैं। आपको अपनी इस फूड टूर के साथ साथ अपने रूम का टूर भी कराऊंगी और दिखाऊंगी कि फोर पॉइंट्स पर शेरेटन की प्रॉपर्टी कितनी अमेजिंग है। नाइस, लव इट। मुझे कॉफी में ब्रेड डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है, लाइक रियली। सो डी फॉर डोनट का टाइम है, डी फॉर डोसा का टाइम। बाय द वे गाइस, मैं तो डी फॉर ड्राइड मैंगो भी लाई हुई थी, है तो बहुत टेस्टी है पर मैं डोसा खाना चाहूंगी। डी फॉर ड्रैगन फ्रूट हर्ष, वो तो मैं खाऊंगी, आई वोंट वेस्ट इट। ये समझ नहीं आ रहा ये चैलेंज इसका है या मेरा है, टेस्ट कर रही है और आगे पास कर रही है। पूरा डोसा खाया मैंने, हाँ पूरा डोसा, और एक डोसा मेरे लिए पूरा छोड़ दिया। इस इसके लिए प्रिपेयर कराया एग, तो ये एग खाएगी, देन मैं क्या क्या खाऊंगी। एफ तो तेरे को मिल ही जाएगा, एच तो तू रोज ही खाती है ना, एच पर हर तेरा दिमाग, यस एच को स्किप कर देंगे, एच रोज खाती है, एच नहीं खाना आज, ठीक है उससे नेक्स्ट खाएंगे। तो मैं ई फॉर एग खाने वाली हूँ, बट मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ मेरा ई पे ही बहुत ज़्यादा स्टफ्ड हो गया, मैं सिर्फ टेस्ट करने वाली हूँ हर्ष खाएगा या नहीं। पर मैं रियली में डोनट खाना चाहती हूँ, तो आई थिंक मैं डोनट खा ही लेती हूँ बाइट ई से पहले। शेफ ने बोला स्पेशल है, बहुत टेस्टी है। E for egg. ये रहा F for fried rice. Fried rice खाऊंगी थोड़े से, and last मैं G से खाने वाली हूँ grapes.
वेट वेट वेट, जी फॉर ग्रेप्स भी आ गए चले। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गिर भी गए। ये तो मैं सारे खा लूंगी, एग से स्टार्ट करूंगी अब मैं लंच टाइम में, देखते हैं क्या खा सकती हूँ मैं। आई होप कि मैं सारे अल्फाबेट से खाना खा सकूं एंड आपको होटल टूर कराती हूँ छोटा सा, चलते हैं। पर उससे पहले हर्ष खाना फिनिश करेगा। हर्ष जी खाना खाओ। हाँ मेरा चैलेंज चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. Guys, you tend to go crazy जब आपका होटल इतना गॉर्जियस हो और उससे भी ज्यादा गॉर्जियस हो आपका पेंट हाउस। Like first time staying in a penthouse and my experience is incredible. ऐसे में हर्ष को नहीं खाया, मैं हेजलनट्स खाने वाली हूँ एंड रोज खाती है। यस, ऐसे मैं खाने वाली हूँ आइसक्रीम। इतनी गॉर्जियस लुकिंग आइसक्रीम है, लाइक पहले वन फोटो फॉर इंस्टाग्राम एंड देन आई एम गोना ईट इट। आपको दिखी जाएगी मेरी आइसक्रीम। लेट्स ईट आइसक्रीम। वाओ, बस जे से है जैम। कैसी अलग अलग चीजें मैं ट्राई करने वाली हूँ आज, आप भी देखोगे। इस पर शेरेटन में सारी हेल्प मिल रही है, हमारे शेफ जेरी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। मेरे पास और भी फ्लेवर्स हैं यहाँ, जैम अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा। ऐसे मैं खाने वाली हूँ केचप। वैसे मुझे केचप बहुत पसंद है बट अभी ऐसे अकेले खाने में मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट खा ही लेते हैं। सीरियसली मैं केचप खाने वाली हूँ। मैं स्पेशली एल्फो लेमन खाने रूम में आई हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ्रेशली कट लेमन है, काफी बड़ा, एंड अब मैं इसे खाने वाली हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नाइस। अब मुझे वापस जाना है लाइब्रेरी कैफे, बिकॉज मैंने M फॉर मैक्रोन्स बोले हुए हैं और N से नाइट्रो कॉफी बोली हुई है। मैक्रोन्स जो है वो पेरिस की स्पेशलिटी है एंड आई थिंक ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिलीशियस लग रहे हैं। तो फाइनली मैं M से खाने वाली हूँ मैक्रोन्स। वैसे मेरे पास यहाँ पे दो कलर के मैक्रोन्स हैं, क्यूट है ना, छोटे छोटे मैक्रोन। वाओ, इट्स रियली गुड। आई थिंक मुझे यहाँ के फूड से प्यार हो गया। यू नो व्हाट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा कि मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉफी है इसके अंदर, कैफीन कंटेंट। तो ऐसा ना हो कि मैं रात को सो ना पाऊँ, बट आई लव कॉफी, सो ऑफ कोर्स आई एम गोना ट्राई नाइट्रो कॉफी, इज वेरी गुड। कोल्ड कॉफी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, रियली नाइस। फिर तो थक गई है मैं, घूम घूम के ना थोड़ी ना घूमती रही, अंदर कितना पैशन है, जेस्ट है, ज़ील है। और मैं ओ फॉर ऑरेंज खान वाली हूँ। ओ फॉर ऑरेंज कैसे खाते हैं? बड़ा ही जूसी ऑरेंज लग रहा है, सच्ची में जूसी है। 8:01 PM. So guys, मैं चीकी चैन रेस्टोरेंट आई हूँ 4 Points by Sheraton के, एंड ऑफ कोर्स मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अपना खाना ऑर्डर किया है। बेस्ट थिंग इज कि ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो मुझे यहाँ पे खाना पड़ेगा चॉपस्टिक से। कैसे खाऊंगी? पर जैसे भी है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा पी फॉर पापड़म इज हेयर, तो मैं चॉपस्टिक से पापड़म खाने वाली पापड़। वैसे मैं पापड़ खाती नहीं हूँ, बट पापड़ बहुत अच्छा है। इस क्यू सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अल्फाबेट है, आई मीन क्यू क्यू क्यू। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज खाने वाली हूँ कीनवा सैलेड। आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है। मुझे ब्रोकली अच्छी लगती है वैसे भी। एक बार फिर से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये चैलेंज बहुत टफ है। मैं खाने वाली हूँ हाफ ऑफ राइस। सिज़लर राइस के साथ ही खाते हैं, तो मैं सर्व कर रही हूँ। वाओ,
freaking amazing Singapore noodles khate hain, because Chicky Chan restaurant ke Singapore noodles are very well hyped and I want to try and see kya actual mein itne amazing hai. So let's take a bite and see. Isse bahut sare veggies hai and I love that. Try it. So Harsh mere liye tofu leke aaya hai. So guys, ये टी से परेशान हो रही थी क्या है तो मैंने इसको एक सिंपल सॉल्यूशन दिया टोफू. एक्चुअली मैं नहीं खाना चाहती बट मैं खाऊंगी. ओह माय गॉड, सीरियसली आई डोंट लाइक टोफू. Tomorrow. अभी तक मेरा चैलेंज फिनिश नहीं हुआ है बट 24 आवर्स भी फिनिश नहीं हुए हैं. मैं आपको बता दूं, अभी 5 मिनट बचे हैं और मैंने पूरा दिन लगा दिया, लाइक सुबह से पूरा दिन लगा दिया ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने में. मैं अभी यू से खाने वाली हूँ यूनिबिक बिस्किट्स. ये है मेरे पास PWXYZ से वनीला मफिन. बड़े अच्छे तरीके से फिनिश कर रही हूँ ना मैं चैलेंज. ब्लू फॉर वॉलनट, एग से बहुत ही कंफ्यूजन हुई मुझे, पर फिर मैंने देखा कि वाटरमेलन, जब मैंने सर्च किया गूगल पे कि फूड स्टार्टिंग फ्रॉम एग, तो उसमें वाटरमेलन आया. इसको बोलते हैं शीगुआ, स्टार्ट होता है एग से, XIGUA, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है शीगुआ. दो मिनट बचे हैं चैलेंज खत्म होने में, 24 आवर्स. भाई से मेरे पास यहाँ पे है योगर्ट, चीनी नहीं है, एंड जेड से मेरे पास यहाँ पे, नाम मुझे पढ़ना पड़ेगा, बड़ा ही डिफिकल्ट है. जेड से मेरे पास यहाँ पे स्टार्टर क्रोइसेंट, पता नहीं कैसा टेस्ट है, टेस्ट अच्छा है. यहीं पे ख़त्म होता है मेरा 24 आवर फूड चैलेंज. मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खाई हैं एंड आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बहुत करेक्टली खाई हैं. सो इफ यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टूडल.